बहता का उल्टा चश्मा। अरे ये देखो अपहरण है, ये गैर कानूनी है, ये क्या करे, मेरी बात सुनो। छोड़ो, ये क्या हो रहा है? ये जोरावर शराफत से कह रहा हूँ, जेठिया को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। बड़ी आप बीच में मत बोलिए, लड़की हमारी भागी है, आपकी नहीं। जीतालाल को बोरी की तरह उठा कर क्यों ले जा रहे हो? जरूर उसने कुछ उल्टा काम किया होगा। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो जोरावर भाई, मुझे एक फोन तो करना था। नहीं। अरे एक फोन करने का मंजूरी तो पुलिस स्टेशन में पुलिस भी देता है भाई। थैंक यू। अरे भाई इसको बोलो ये फोन इसमें है, इतने जोर से पकड़ा है, कैसे लूं मैं फोन ये? अरे तो इस हाथ से कर ले। अरे हाँ, मैं वो सुंदर को फोन करता हूँ, आपसे बात करवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। रिंग बज रहा है। अरे काट दिया। अरे फिर से काट दिया, मैं फोन क्यों काट रहा है तेरा भाई? अरे बीजी हो गया। अरे काय का बीजी है? चले नौटंकी बंद कर। एक मिनट भाई साहब, ये क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्या हो रहा था अभी ये? अरे इसने हमारा लड़की को भगाया है। ऐसा मुंह काला करने वाला काम क्यों किया तुमने? नाम बड़े और दर्शन खोटे। नहीं, किन्होंने हरकत नहीं। ये भिंडली मास्टर, पहले पूरी बात को समझ ले, क्या बिना सोचे समझे। पर दयाबेन, ये लोग है कौन? छगन की छबिली है ना, उसके माँ बाप है। और ये इनके गुंडे हैं। अच्छा, छगन छबिली कौन? बताती हूँ। किसी को मदद करना कुछ गलत बात है? अरे जिस बात में तेरा भाई शामिल हो ना, वो सब बात गलत ही होती है। इधर लेने के देने हो गए मेरे। चले ना उठा, क्या नाटक बंद कर रहे हैं, उठा इसका चट। हेलो उठाओ। अरे मेरे बात सुनो, क्या उठाओ? अरे छगन, अरे पकड़ो उसको, पकड़ो, इसकी मदद करने में मेरी बैंड बच गई। अरे भाई मुझे छोड़ा, उसको पकड़ो। छबिली, पापू जी, छबिली कहाँ गई थी तू? आज मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, दो टके के लुच्चे लफंगे, मामूली कपड़े की दुकान चलाने वाले सिंधी चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई जोरावर सिंह, जोरावर सिंह की बेटी के सामने आंख उठाकर देखने की, उसको भगा कर ले जाने की, उसके साथ शादी करने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे शर्म नहीं आई एक फालतू लड़के के साथ भगकर शादी करते हुए? माँ छगन और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो बड़े शिवावली, देखिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ पर छबिली को नहीं भूल सकता। अरे तू जबान लड़ाता है, इसका टंगड़ी तोड़। बापूजी, तोड़ इसकी टंगड़ी तोड़। आ भैया इधर, तेरा जगह इधर है भाई, इधर है। बाप रे, बापूजी। अरे देखता क्या है, डिबर इसको। भाई ये अपना दिमाग शांत रख, अब ये तेरा दामाद है, दामाद। अरे हट, मैं इसको दरबार नहीं मानता, अब इसको दामाद मानने की बात बोलते है काका। अरे तेरे मानने न मानने से क्या हकीकत बदल जाने वाली है? अरे कौन से जमाने में जी रहा है तू भाई, जमाना बदल गया है। तुझे अपना घमंड प्यारा है कि अपनी बेटी की खुशी? अरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, देख। ढोड़ने ढेफा। अरे हमने हमारी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है, ये मामूली दुकानदार हमारी बेटी को क्या ऐश आराम देगा? मानता हूँ कि आपकी नजरों में मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, पर वादा करता हूँ मैं भी आपकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखूंगा। वो सब कुछ नहीं, ऐसा लव मैरिज कभी भी सफल होता नहीं है, हमारा वड़ी लोग ठप्पा मार कर बोल कर गया है। अरे नहीं रे नहीं अंकल, मेरी और रोशन की लव मैरिज ही हुई है, हम लोग की शादी को 10 साल हो गए, ने हम लोग बहुत खुश है। तुमने भाग कर शादी की थी? नहीं, इसने तो भाग कर शादी की है। देखिए बाबूजी, मैं भी भाग कर शादी करने के खिलाफ ही था, मैंने छबिली को बहुत समझाया कि तेरे माँ बापू जी की मर्जी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे, पर वो मानी ही नहीं। उसने कहा बापू जी हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, और उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा।
देखा देखा कितना अच्छा लड़का है, देखा तूने? अरे तू अगर पहले ही मान गया होता तो आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अब ज्यादा सोच मत, अपने दामाद को अपना ले और अपनी बेटी की खुशी को ही अपनी खुशी मान ले। सबीली, ये दिख रहा तू मेरे से इतना डरती है? बेटा, तेरी खुशी वो हम सब की खुशी। अरे जा भाई जा, अभी तुझे अपना लिए पैर छू। अरे भाई मुझे नहीं, हो अपने ससुर को। तुझे क्या मजा है इसमें इतना? ऐसे ही हंसता है। आए आए आए, खुश रहो खुश, बाकी पगे लागो, बाकी पगे लागो। आपके कारण मेरी बंद आँख खुल गई और ये मेरे परिवार की जो खुशी थी वो मेरे को मिल गई। आपका तो जितना मानू उतना आभार कम है काका। ए जेठा भाई, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी तकलीफ हुई। थोड़ी तकलीफ को थोड़ी ही बोल रहे, बोला। चलो लाठी नीचे करो और चलो सब। अरे अरे रुक जाइए। अरे मुझे ये पूछना है छगन भाई कि आप दोनों यहाँ पर वापस क्यों आए थे? अरे यार, गोवा की फ्लाइट्स मिस हो गई ना, तो टिकट्स के पैसे लेने और होटल बुकिंग्स के पैसे लेने आए थे। वो अभी अपने ससुर से ले लेना भाई। हाँ हाँ, देखा उसमें क्या है। अच्छा चलो 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 चल जेठिया। हाँ चल। अरे ये देख तेरे भाई का फोन। हाँ क्या कह रहा है? कह रहा है फोन उठाओ। हाँ तो उठाओ। हाँ बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, मुझसे बात करने की मना करके घड़ी घड़ी फोन करके मुझे परेशान क्यों करते हो? क्या भाई, तूने बताया नहीं है छगन छबीली ने भाग के शादी की है? वो जानकर आपको क्या करना था? क्या करना है क्या करना है क्या मतलब है? इधर छबीली के माँ बाप साथ में तीन हट्टे घट्टे पहलवान लेके आए। हेलो 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 जीजाजी, जीजाजी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो ए नौटंकी, फिकर मत कर, बापू जी ने छगन छबीली और छबीली के माँ बाप के बीच में समाधान करवा दिए और छबीली के माँ बाप ने छगन को अपना भी लिए। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत पुण्य का काम करवाया है। थैंक यू बाबूजी ने। जीजा जी, एक और काम भी था। मेरा एक दोस्त है, वो भी भागकर शादी करने वाला है, तो उसे भी मैं आपके पास भेज देता हूँ। उसके माँ बाप आए तो समाधान करवा देना आप। हेलो हेलो, को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बाद में फोन करना। ओके, थोड़ा आगे खड़े रहते ना तो सुनाई देता। चल चलो वे। हाँ चलो। तो छगन और मगन के चक्कर में जोरावर तुम्हें उठा ले गया? अरे बात मत पूछ। अरे अभी हंसी आ रही है, उस वक्त तो हालत पतली हो गई थी, ऊपर साहब भी यहाँ नहीं, तो मदद किसके पास मांगने जाऊँ? बात तो सही है। ले तो मुझे कहा होता तो मैं आपको एक फोन नंबर देती हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो फोन कर देने का, सभी प्रॉब्लम दूर। किसका नंबर है? मेरे वीरा सुंदर का। और किसका? चुप रहे अबे यार, खबरदार, सुंदर का नाम भी लिया इधर तो। ऐसा थोड़ी होता है, इतने गर्व से मेरे वीरा का नाम ले रहे हो, मुझे रोकने का प्रयास कर तो दो। अरे क्या गर्व से सुंदर का नाम गर्व से लेना जैसा, किसी पर्व पे भी। एक मिनट, आप लोग इससे पहले कि आप ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दो, मैं चलता हूँ। अच्छे खासे बैठे थे, मैं तो उठा दिया ना उनको। अरे भाई, ये आप लोग बाद में थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ अभी। ओके। अरे हाँ भाभी, एक बात तो कहना मैं आपसे भूल ही गया, हमारे यहाँ खास मेहमान आने वाला है। ओहो, मेहमान यानी मैं मौसी बनने वाली हूँ या फिर ये काका बनने वाले हैं? क्या बात कर रहे हैं, मतलब बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। खैर मुबारक हो, अभिनंदन। अरे अरे यार, आप लोग भी कमाल हो यार, मुबारकबाद तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अरे आप लोगों ने भेजा फ्राई पिक्चर देखी है? विनय पाठक की। वही विनय पाठक मेरा दोस्त है और कल आ रहा है मेरे घर। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, वो ओरिजिनल ही है क्या, डुप्लीकेट विनय पाठक आ रहा है? क्या बात कर रहे हो यार, मैं डुप्लीकेट लाऊंगा।
नहीं, जब से वो सुंदर डुप्लीकेट सचिन शाहरुख को लेकर आया था ना, तब से मेरा तो भैया फिल्म स्टार के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। अच्छा, मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ जब आएगा, यार मेरा दोस्त है वो, कल जब आएगा ना तो आप लोगों से मिलवाने लेके आता हूँ घर पे। चलो अभी चलता हूँ। ओके, अच्छा हाँ एक बात, आप कंटिन्यू करो, चालू करो। अंजलि, अरे कहाँ रह गई अंजलि? अरे अंजलि आई, बोलो। Everything is ready, सारा खाना तैयार है, 56 भोग बनाए हैं मैंने। 56 भोग तो स्टार विनय पाठक आ रहा है उसके लिए बने हैं, लेकिन पति के लिए कुछ स्वीट वगैरह बनाया है कि नहीं? खास मिठाई बनाई है। क्या है? मेथी के गुलाब जामुन। मेथी के गुलाब जामुन, ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई? अरे ग्रेट कॉम्बिनेशन है, मीठे की मिठास कम करने के लिए कड़वाहट भी डाली गई है ना इंटरेस्टिंग? काफी इंटरेस्टिंग है, वो आ गया लो। एक मिनट भैया, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं, मैं खोल रहा हूँ ना। वेलकम वेलकम वेलकम, अल्टीमेटली विनय पाठक इज हियर। और बताओ भाई। अरे क्या बताएं भाई, बताने लायक तो हाल तुम्हारे हैं इन दिनों। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कितना अच्छा लगता है जब तुम्हें भेजा फ्राई, दसवीं दानिया, न जाने क्या क्या, यार बहुत बढ़िया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप मेहता साहब, हम कलाकार तो तभी हैं ना जब आप जैसे लेखक हैं। अरे आप जो लिखते हैं वो हम बोलते हैं। ये तुम्हारी जर्रा नवाजी है हुजूर, लेकिन एक बात बताऊं विनय, तुम ही हो कि तुमने कलम की और कलमकार की ताकत को पहचाना, वरना दुनिया में कौन पूछता है हम कलमकारों को। दूसरों का तो पता नहीं, मुझे पता है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे शुक्रिया शुक्रिया आपका भी। अरे इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, ये लो ये टिकट है मेरी नई फिल्म स्ट्रेट, एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी, देखने जरूर आइएगा। हाँ भाभी, आप इतने उच्च कोटि के अभिनेता हैं, हम तो आपकी हर फिल्म देखते हैं। सच? स्ट्रेट, एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी, कमाल का नाम है। वैसे एक बात बताऊं विनय, तुम यहाँ तक आए हो ना तो मैं भी तुम्हें कमाल के दो लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे खास दोस्त हैं जेठालाल, ऊपर ही रहते, और उनकी पत्नी दया, दोनों गजब के कैरेक्टर्स हैं, तुम्हारी किसी फिल्म में काम आ सकते हैं। मिलोगे? अरे तो इसका मतलब है वो भी फिल्म देखने तो जरूर आएंगे ना? अरे क्यों नहीं, जरूर देखेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट भी है, उन्हें दे दूंगा, तो चले उनसे मिलने। हाँ हाँ चलो। एक मिनट, कहाँ चलो? खाना खाने चलो, मैंने अपने हाथों से बनाया। अरे कितने अच्छे हाथ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इन्हीं हाथों से बनाया, अब खाना खा ले स्ट्रेट, फिर याद करेंगे हमारी टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। आओ। अरे जेठालाल, टप्पू को डांटना बंद करो, ये देखो मैं तुम्हारे घर किसे लेके आया हूँ। कौन? अभी मिलवाता हूँ। अरे आइए विनय जी, चले आइए। नमस्ते। आप भी बैठिए। अब आप क्या खाएंगे? ढोकला लाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके हाथ का ढोकला तो जरूर खाएंगे हम। ना एक मिनट, ढोकला बाद में, रुको जरा दया। तो आप विनय पाठक है जी? ओ भेजा फ्राई में थे वो? जी मैं ही हूँ। किसका उल्लू बना रहे? अरे जेठालाल क्या कह रहे हो भाई? एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट, आप इसमें भेजा मत खाइए। अरे भाई मेरे दोस्त है, तुम इंसल्ट कर रहे हो। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैंने भी भेजा फ्राई देखी है, और एक दो बार नहीं, कम से कम 5-6 बार देखी है। उसमें मैंने देखा है, बराबर देखा है, विनय पाठक जी उसमें मेरे जैसे से पेट वाले थे, और जलेबी फाफड़ा खाने वाले लगते थे, और ये देखो सिंगल। देखिए क्या है जेठालाल जी, कि कभी कभी ना किसी रोल के लिए वजन कम करना पड़ता है, और इस फिल्म के लिए मैंने काफी वजन कम किया है, इसीलिए तो आपको इनवाइट करने आया हूँ। आप प्लीज हमारी फिल्म देखने जरूर आइएगा, स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। तो मैं क्या कहता हूँ विजय भाई, अरे विवेक भाई, विनय भाई जी, विनय भाई है? तो मैं चेक कर रहा था कि देखो विवेक भाई, विजय भाई, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दिया, विनय भाई बोला जी, ऐसा तुरंत बोला। अगर इनका नाम, मतलब ये विनय पाठक खुद नहीं होते तो विनय भाई, मैंने बोला तभी वो
सब मैं जवाब ही नहीं देते ना। अब हो गया यकीन के ये विनय पाठक के दोस्त हैं। हो गया बहुत स्मार्ट है सर आप बहुत स्मार्ट। विनय पाठक आए क्या नाम क्या बताया पिक्चर का? स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। इंग्लिश है? नहीं जी बिल्कुल हिंदी है। तो ठीक नहीं क्या इंग्लिश है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब मुझे ने ए मेरी वाइफ को हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। ओ क्या उसको इंग्लिश जमता नहीं है ना तो इसलिए मैं भी फिर नहीं देखता हूँ। ओ क्या बोलते हैं सैक्रिफाइस। घबराइए मत बिल्कुल हिंदी फिल्म। दया इट इज ए हिंदी फिल्म। कहा था ना कैरेक्टर है। वेरी स्वीट। हिंदी पिक्चर है हिंदी। अच्छा अरे वाह हम लोग जरूर आएंगे। नहीं आएंगे हम जरूर। क्यों? टप्पू की एग्जाम आ रही है ना। अच्छा अच्छा वो टप्पू की एग्जाम है ना तो लोग नहीं मैं आऊंगा। दो है ना टिकट इसमें तो हमारी सोसाइटी में बबीता जी है उनको लेके उनके साथ आ सकता हूँ ना। नहीं मतलब आपके इधर ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि अपनी वाइफ के साथ आने का? किसी दूसरे की वाइफ के साथ भी आ सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। क्या क्या घुसर पुसर क्या कर रहे हैं? अरे मैं विनय भाई को बता रहा था कि ये मेरी वाइफ दया गरबा बहुत अच्छा खेलती है। हाँ वो गरबा फ्राई जैसी कोई फिल्म बने तो जरूर याद करना। बिल्कुल बल्कि मैं तो कहता हूँ आपके बिना गरबा फ्राई बनी नहीं सकती है। अरे मैं तो कहता हूँ कि गरबा फ्राई बनेगी ही नहीं। चलिए अब चलता हूँ। जी जी अरे नहीं नहीं ढोकला फिर खा लेंगे अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। जान पहचान हो गई आपसे। माफ करना हो चला शुरू में पहचान। अरे नहीं कोई बात नहीं आप फिल्म देखने जरूर आइएगा। स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी हिंदी फिल्म। जी जी बिल्कुल हिंदी। अंकल ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू अंकल बाय। जय जिनेन्द्र। चलिए भाई चलो भाई बबीता जी को मेरा प्रणाम। असली विनय पाठक। ओके विनय भाई पाठक जी आना फिर। सचमुच क्या गया विनय पाठक बोला। मैं क्या कहती हूँ कि ये पाठक जी अने गुजराती हुए ना। पाठक सर नाम तो गुजराती में होते हैं ना ब्राह्मण होते हैं ब्राह्मण भी है। तो फिर हिंदी में क्यों बात कर रहे थे? हिंदी पिक्चर में काम करते हैं ना। चल चल बुलेट हो रहा है जल्दी। चल 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 जल्दी। मार्च अप्रैल का महीना जब सूरज अपना तापमान बढ़ा देता है लेकिन इन दिनों में एक तापमान और बढ़ जाता है बच्चों के दिमाग का। एग्जाम जो सर पे होते हैं इधर होती है परीक्षाएं और इधर बच्चे परेशान। बच्चे परेशान तो उनके पेरेंट्स भी परेशान। पेरेंट्स परेशान तो जमाना परेशान। लेकिन जमाना कितना ही परेशान हो गोकुलधाम सोसाइटी में परेशानी होने वाली नहीं है क्योंकि बच्चे जानते हैं परेशानी को कैसे हंसी में तब्दील किया जाए। अरे हम है ना हम आपको हंसाएंगे सारी परेशानियों से दूर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.